हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि फिंच बर्ड किस उम्र में ब्रीडिंग करती है, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। और जिन भाइयों ने भी अभी तक हमारे यूपी पैरट बर्ड्स लवर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिंच बर्ड की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि जैसे कि आप लोग अगर किसी मार्केट से फिंच बर्ड को ले कर के आना चाहते हो तो उसके जेंडर के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, उसका मेल और फीमेल कैसा दिखता है। जो दोस्तों फिंच बर्ड में मेल होता है उसकी चोंच जो है वो डार्क रेड होती है और जो फीमेल होती है उसकी चोंच ऑरेंज होती है। तो ये होता है दोस्तों फिंच में जेंडर के बारे में, यानी कि मेल फीमेल के बारे में। अब दोस्तों अगर आप लोगों को सॉफ्टवुड वगैरह के बारे में जानना है तो उसके ऊपर मेरे चैनल पर पहले से ही वीडियो अपलोड है, वहाँ से आप लोग वीडियो चेक करके आप जान सकते हो कि आप अपनी फिंच बर्ड को कौन कौन से सॉफ्टवुड प्रोवाइड करा सकते हो। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि फिंच बर्ड की ब्रीडिंग एज, जो फिंच बर्ड की ब्रीडिंग एज होती है वो दोस्तों 5 से 6 महीने की एज में हमारी फिंच बर्ड बढ़िया और बेहतरीन ब्रीड करती है। अब मैं आपको इसके कुछ फ़ायदे भी बताऊंगा अगर आप इस उम्र में ब्रीडिंग लेते हो अपनी फिंच बर्ड से तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों सबसे पहला फ़ायदा कि हमारी फिंच बर्ड का कैल्शियम और विटामिन बहुत अच्छे से पूरा हो जाता है इस उम्र में आकर के, और हमारी फिंच बर्ड जो भी अंडे और बच्चे देती है उसको चाहे एक्सपीरियंस नहीं हो अंडे बच्चे पालने का, बट वो फिर भी दो अगर 4-5 अंडे दिए तो 2-4 बच्चे वो फिर भी पाल लेती है, जिससे कि फर्स्ट ब्रीड हमारी फिंच बर्ड की बेकार नहीं जाती। अब मैं आपको बताता हूँ अगर आप 5 से 6 महीने में ब्रीडिंग लोगे तो आपको ये सब फ़ायदे देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप लोग 3 से 4 महीने की एज में ब्रीडिंग लेते हो तो आपको क्या क्या नुकसान देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला नुकसान कि आपकी फिंच बर्ड के अंडे खुद से ही गायब हो जाएंगे। वो गायब कैसे हो जाते हैं दोस्तों? फिंच बर्ड अंडे अपने खुद से ही खा जाती है। तो अपनी फिंच बर्ड के अंदर अगर कैल्शियम की कमी होती है तो फिंच बर्ड खुद के अंडे इसीलिए वो खा जाती है। दूसरा, फिंच बर्ड अपने बच्चों को अच्छे से नहीं पाल पाती। अगर फिंच बर्ड के अंडों में से बच्चे निकल आए तो उनको वो ठीक से नहीं पाल पाएगी, क्योंकि दोस्तों वो उस टाइम पर खुद ही कम एज की होगी तो इसीलिए उसको बच्चे पालने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये सारे नुकसान हैं हमारे कि हम अपनी फिंच बर्ड से कम उम्र में ब्रीडिंग लेते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को सारी बातें डिटेल में बता दी। अगर आप लोग एक बर्ड्स लवर हो, अगर आप भी अपने पास बर्ड्स को रखते हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को एक लाइक भी करें, क्योंकि इस चैनल पर इसी ऐसी ही बर्ड्स से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के लिए एक लाइक और हमारे यूपी पैरट बर्ड्स लवर चैनल को जरूर कर लेना सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं किसी ऐसी इंटरेस्टिंग भरी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का ख्याल रखें। तो बाय बाय ऑल फ्रेंड्स।